नमस्कार, मार्केट टाइम टीवी में आप सभी का स्वागत है। हम इस समय मौजूद हैं अलवर की कृषि उपज मंडी में, जहां लगातार अभी तक मंडी के अंदर सरसों की आवक हो रही थी, लेकिन अब मंडी के अंदर धीरे धीरे चने की आवक भी होने लगी है। टाइम टीवी में आपका स्वागत है। बताइए सर, क्या नाम है आपका? नाम पंकज खंडेलवाल है, खंडेलवाल ट्रेडिंग कंपनी फर्म से हूँ। कितनी चने की आवक हो रही है? चने की आवक सब इस टाइम हमारे यहाँ पे मंडी में आज जैसे 1100 कट्टे के रेवल है। भाव हमारे यहाँ पे 5300 से लेके नहीं और 5350 रुपए तक के भाव है। और पिछले दिनों में यहाँ पे अरेवल कुछ कम थी, आज कुछ अच्छी हुई है। आज जैसे सोमवार है और नया साल के शुभारंभ है, उसके एवज में आज अरेवल आज अच्छी है और 5300 से 5350 रुपए तक के भाव है। बाकी चने की क्वालिटी गत साल से काफी बेहतर है इस साल, और यहाँ से चना जो है जितना भी चना आता है यहाँ के जो मिलर हैं 3-4 वो लेते हैं, बाकी सारा माल दिल्ली जाता है। अभी कहाँ कहाँ से आपके पास में चना आ रहा है मंडी में? मंडी में अपने आसपास के क्षेत्र हैं, जैसे मालाखेड़ा है, बांदीकुई है, सिकंदरा है, दौसा है, अपने हिंडौन सिटी है, मंडावर महुआ है, इधर के साइड के व्यापारी माल बेचते हैं। तो अभी जैसे चना अभी आने लगा है, तो आगे चने के किस तरह के भाव रहने वाले हैं? अभी चने में देखो ज्यादा उतार चढ़ाव की स्थिति अभी नजर नहीं आ रही है, बाकी आने वाले दिनों में मतलब आने वाले कुछ महीनों में चने में हो सकता है कि कुछ अच्छे मतलब भाव देखने को मिले। तो अभी तक मंडी में किन किन जिंसों की आवक हो रही थी? अभी शुरुआत में तो यहाँ पे नई सरसों की अराइवल सबसे पहले होती है, उसके बाद फिर जौ आता है, फिर उसके बाद चना और गेहूं साथ साथ आता है। अभी जैसे मंडी में सरसों और गेहूं की अच्छी आवक है और उसके साथ साथ जौ की भी अच्छी आवक चल रही है। अभी चने की तो अभी कुछ स्टार्ट ही हुई है, बाकी अपने अलवर क्षेत्र में तो चने की जो पैदावार है वो गत साल से काफी कमजोर है। चना बाहर की मंडियों से ही ज्यादा आ रहा है यहाँ पे अपने अलवर मंडी में। तो क्या कारण मानते हैं कि अपन की कमजोर है, क्या किस कारण से कमजोर है? मेन जो इस चीज का देखे जाए तो पानी सबसे जो मेन कारण है वो है पानी का। पानी के शॉर्टेज होने की वजह से यहाँ पे लोग बाग सरसों के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं। कुछ गेहूं जैसे रोजमर्रे की खाने की चीज है तो गेहूं की ज्यादा पैदावार करते हैं, इस वजह से दिन पे दिन यहाँ पे अपने अलवर क्षेत्र में चने की पैदावार घटती जा रही है। हमारे साथ में यहाँ के जो व्यापारी हैं उन्होंने बताया कि जैसे जैसे चने की आवक बढ़ती चली जाएगी वैसे वैसे भाव भी जो है बढ़ते चले जाएंगे। नितिन शर्मा, अलवर।